हेलो एंड गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू वेलकम टू पॉलिटी सीरीज लेक्चर नंबर थ्री सीरीज इज प्रेजेंटेड बाय अल्फा एस अकेडमी इन एसोसिएशन विद एबीसी एजुकेशन अकैडमी एंड वी शैल बी डिस्कसिंग द मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन तो एक्ट्स हमने लेक्चर नंबर वन एंड टू में डिस्कस कर दी कैसे जो है आपका एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर जो है कंपनी से क्राउन पे गया उसके बाद जो है हल्के हल्के भारत को आज़ादी मिली अब डिसाइड आज हम देखेंगे कॉन्स्टिट्यूशन जो था हमारा जो संविधान है वो बना कैसे कितना डेलिब्रेशन लगा लगभग लगभग साठ से पैंसठ तो कॉन्स्टि देशों के कॉन्स्टिट्यूशन को हमने पढ़ा उसके बाद जाके कॉन्स्टिट्यूशन बना एंड यू नो वी शुड बी वेरी प्राउड ऑफ आर कॉन्स्टिट्यूशन बिकॉज अगर आप एग्ज़ाम्पल लें नेपाल ने का आप एग्जाम्पल लें श्रीलंका का डेमोक्रेसीज हैं मान लीजिए नेपाल ने उनका अपना कॉन्स्टिट्यूशन डिसाइड ही नहीं हो पा रहा है लगभग तीन से चार बार वो लोग बदल चुके हैं बट भारत का संविधान टाइम के साथ इवॉल्व हुआ है कि उसने क्योंकि उसने जितनी फ्लेक्सिबिलिटी देनी चाहिए थी टाइम के साथ अकॉर्डिंग अकॉर्डिंगली चेंज होने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन को उतनी उसने दी, as Indians, as तो, तो आइए शुरू करते हैं देखते हैं कैसे कॉन्स्टिट्यूशन बनना शुरू हुआ तो डिमांडिट्यूट असेंबली क्योंकि देखिए कॉन्स्टिट्यूट असेंबली का मतलब क्या होता है कोई भी लेजिस्लेटिव असेंबली या कोई भी असेंबली जो कि जिसके पास पावर रहती है उस देश का संविधान डिसाइड करने की बनाने की उसे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बोल देते हैं ठीक है ठीके? 1934 में एम एन रॉय जो कि एक बहुत ही एमिनेंट फ्रीडम फाइटर भी थे उन्होंने बोला कि हमें अपनी कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनानी है तो फर्स्ट टाइम द आइडिया वॉज पुट फॉरवर्ड बाय एम एन रॉय फिर नाइनटीन में जवाहरलाल नेहरू ने बोला कि हम अपना संविधान खुद बनाएंगे ठीक है 1938 में जवाहरलाल नेहरू जी ने बोला कि हम अपना संविधान खुद बनाएंगे ठीक है 1940 में में अगस्त अगस्त ऑफर ऑफर आया कि ठीक है ब्रिटिशर्स ने बोला आप लोग अपना संविधान बना लीजिएगा क्योंकि द लूमिंग अब देखिए हर चीज जो है कंटेक्सट में होगी वर्ल्ड वॉर टू स्टार्ट होने वाला है ठीक है तो ब्रिटिशर्स को लगा कि यार इंडियंस का तो चाहिए तो एक अगस्त ऑफर दिया कि यार आप लोग ना अपना बना लेना ठीक है नाइनटीन में वॉर खत्म होने के बाद क्रिस्ट प्रपोजल भेजा गया ठीक है हम जो है ना आपकी हेल्प करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए सर स्टेफोर्ड क्रिप्स आए सर स्टेफोर्ड क्रिप्स जो है आगे कैबिनेट मिशन में फिर आएंगे एज अ मेंबर बन तो, के ठीक है तो क्रिप्स प्रपोजल आया वर्ल्ड वार टू के बाद भारतीयों ने बोला हमें नहीं चाहिए हम खुद बना लेंगे और उन्हें बोला कि तुम पहले फुर्सत में निकल लो मुस्लिम लीग ने क्योंकि मुस्लिम लीग जो थी उन्होंने कहा कि हमें तो अपना देश चाहिए वो अड़ गए तक भी थोड़ा सा फोर्टीन ने जो फोर्टीन पॉइंट दिए उसके बाद भी थोड़ा सा स्कोप था कि यार ठीक है वन नेशन में रह सकते हैं बट नाइनटीन फोर्टी टू तक आते आते स्थिति ऐसे हो गई कि मुस्लिम लीग ने बोला कि यार हमें तो अपना अलग ही देश चाहिए हमें पाकिस्तान चाहिए तो क्रिसपिया निकल लिए नाइनटीन फोर्टी सिक्स में फिर एक सर एलेक्डर स्टॉफर्ड क्रॉइप्स ये दो तीन लोग आए कैबिनेट मिशन भेजा गया जिन्होंने बोला कि टू नेशन तो नहीं होगा ठीक है टू नेशन जो एकदम एक्सक्लिसिटली एक्सेप्ट करेंगे वो लॉर्ड माउंट बैटन करते हैं आगे ठीक है तो उन्होंने बोला कि टू नेशन तो नहीं होगा लेकिन ये कि हाँ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली हम बनाएंगे और उन्होंने कुछ कुछ ऐसे प्रपोजल लग दिए कि हाँ भाई मुस्लिम लीग भी जो है वो खुश हो गई कि हाँ ठीक है ये बात सही बोल रहे हैं कि यार ऐसे उन्होंने मना लिया तो उन्होंने बोला कि चलो ठीक है यार अब 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 क्या है पूरी लड़ाई लड़ाई ख़त्म हो गई आई इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग की और अब बात शुरू होती है कि यार चलो अब कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बना लेते हैं तो उन्होंने कहा कि ठीक है यार तो कॉम्पोटिशन कैसे होगा तो देखो सबसे पहली बात है कि जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली थी वो पार्टली इलेक्टेड थी ठीक है एंड पार्टली नॉमिनेटेड थी ठीक है पार्टी इलेक्टेड थी पार्टी नॉमिनेटेड कैसे थी क्योंकि जो नॉमिनेटेड मेंबर थे वो प्रिंसली स्टेट से आएंगे ठीक है वो प्रिंसली स्टेट से आएंगे प्रिंसली स्टेट्स स्टेट की भी अपनी अलग कहानी है ठीक है तो टोटल स्ट्रेंथ कितनी थी थ्री एटी नाइन जिसमें से कि टू नाइनटी सिक्सटी जो ब्रिटिश प्र... प्रोविंसेस थे इंडिया में जो ब्रिटिश प्रोविंसेस थे वहाँ से आनी थे और नाइन्टी थ्री जो है प्रिंसली स्टेट्स को दी गई ठीक है और ये जो भी मजाम था ये पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग होना था लगभग लगभग लग एक सीट जो है पर मिलियन आज भी जो है यही आइडिया फॉलो किया जाता है कि लग बा लग बा एक सीट दी गई एक आदमी जो है दस लाख लोगों को रिप्रेजेंट करेगा ठीक है तो उसमें से थ्री एटी नाइन टोटल सीट थी टू नाइनटी सिक्स दे दी गई ब्रिटिश इंडिया को ठीक है एंड नाइन्टी थ्री दे दी गई प्रिंसली स्टेट्स को अब इस 296 में से भी 292 प्रोविंसेस को थी और चार जो अलग कमिश्नरेट बने हुए थे वहां से आने थे ठीक है जो प्रोविंशियल सीट्स थी उसको तीन भागों में डिवाइड किया गया ठीक है मुस्लिम्स को सिक्स को एंड जनरल्स को जनरल्स से हो गए ऑल पीपल एक्सेप्ट कैटेगरी ठीक है इसके हिसाब से तीन क्लासिफिकेशन की गई ठीक है तीन क्लासिफिकेशन कर दी गई और ये बोला कि मुस्लिम जो है मुस्लिम के लिए वोट करेंगे सिख जो है सिख के लिए वोट करेंगे जनरल जो है जनरल के लिए वोट करेंगे तो हर कम्युनिटी जो है अपने बंदों के लिए वोट करेगी तो एक टाइप का सेपरेट इलेक्ट्रो यहाँ पे भी चलेगा ठीक है कम्युनिटी वाइज वोटिंग होगी वोटिंग होगी कैसे प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन पे होगी ठीक है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा मान ली तीन पार्टी खड़ी हुई है ठीक है ए बी सी ठीक है ए के पास 51 परसेंट वोट्स हैं बी के पास 90 परसेंट वोट्स आए और सी के पास 30 परसेंट वोट्स आए तो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बोलता है कि भैया ऐसा है कि जो 51 परसेंट सीट्स हैं वो ए को चली जाएंगी 19 परसेंट जो सीट्स हैं वो बी को चली जाएंगी और 30 परसेंट जो सीट्स हैं वो सी को चली जाएंगे अब ये याद रखना जो सेंट्रल लेजिस्टर में जो आएंगे वो डायरेक्टली ले इलेक्ट होकर नहीं आएंगे क्योंकि प्रोपोर्शनल में डायरेक्ट इलेक्शन नहीं होता लोग पार्टी लाइन्स पे लोगों के लिए वोट करते हैं और उसके बाद जो है पार्टी अपने आप चुन के लोगों को भेजती है ठीक है प्रिंसली स्टेट से नॉमिनेशन होगा अब हुआ क्या कि नॉमिनेशन तो होगा बट प्रिंस ने बोला कि हम कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में आएंगे ही नहीं तो ये नाइनटी सिक्स तो जो ये प्रिंसली स्टेट को सीट थी है, तो खाली रहेंगी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में कब तक जब तक माउंट नहीं आते ठीक है तब तक ये खाली रहेंगी फोर्टी सिक्स में इलेक्शन कराएगा इलेक्शन में क्या हुआ 296 सीट्स में से 208 जो है आईएनसी को गई 73 जो है मुस्लिम लीग को गई 15 जो है इंडिपेंडेंट को गई पंद्रह थ्री थी, ये थी की। बोला कि हम कॉन्स्टिट्यूट असेंबली ज्वाइन नहीं करेंगे तुम जो जो मर्जी कर लो अब एक जो बहुत बड़ा फैक्ट है उस टाइम की कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में लगभग लगभग सभी बड़े व्यक्ति या उस टाइम की सारी चर्चित हस्तियां असेंबली में थी सिवाय एक आदमी को छोड़ के महात्मा गांधी जी को छोड़ के सारा कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में था तो ये कभी कभार जो है आपका क्वेश्चन भी बन जाता है कि महात्मा गांधी जी कॉन्टिट्यूट असेंबली में थे या नहीं थे सबको लगता है यार होंगे इतनी बड़ी पर्सनैलिटी थे बट महात्मा गांधी जो थे कॉन्स्टिट्यूट असेंबली के मेंबर नहीं थे ठीक है अब बात करते हैं वर्किंग ऑफ द असेंबली भाई वर्किंग ऑफ द असेंबली क्या होगी असेंबली तो बना दी अब क्या होगा असेंबली नॉन दिसंबर नाइनटीन फोर्टी सिक्स को मिलती है ठीक है मुस्लिम अब फिर मुस्लिम लीग फिर चौड़ी हो गई मुस्लिम लीग ने बोला कि यार हम नहीं आएंगे हम नहीं आ रहे हमें पाकिस्तान अब चाहिए चाहिए ठीक है तो जब माउंट बैटन आ जाएंगे फिर बोलेंगे ले लो एक रेड क्लिप कमीशन बनाएंगे बोला ईस्ट पाकिस्तान उस और उसको बांग्लादेश किया गया वो एक अलग कहानी है डिस्कस करेंगे ठीक है तो फर्स्ट मीटिंग हुई दिसंबर फोर्टी सिक्स को मुस्लिम लीग ने बाइकआउट किया वो लोग लो नहीं आए ठीक है एंड एक फ्रेंच प्रैक्टिस थी कि जो भी ओल्डेस्ट था उस टाइम डॉक्टर सचिद सिन्हा जी थे उनको कॉन्स्टेंट असेंबली का प्रेसिडेंट बना दिया गया टेम्प्री प्रेसिडेंट बना दिया गया ठीक है अब और ये क्या है फ्रेंच प्रैक्टिस है उसके बाद जो है जवाहरलाल नेहरू जी ने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन बड़ा फेमस है कि इंडिया शेल बी इंडिपेंडेंट स्टेट जितने भी टेरेटेरियंस यहाँ रहेंगे हम जो हैं अपनी जो लोग हैं उन्हें सुरक्षा देंगे और मदर लैंड जो है हमारी ऐसी अच्छी अच्छी बातें उसमें रखी रखी गई और उस ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को जनवरी बाईस फोर्टी को यूनानिमसली अडॉप्ट कर लिया गया कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली द्वारा ठीक है तो ऐसे थोड़ा सा इंजन चालू हुआ अभी इंजन जो है रेल बनेगा ठीक है उसके बाद 1947 फोर्टी सेवन में आपको बढ़ाया इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट आया इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट कब आया जब माउंट बैटन आए तो माउंट बैटन प्रिंसली स्टेट्स ने तो पहले तो मना कर रखा था ज्वाइन करने के लिए लेकिन अब कुछ लोग आने लग गए थे दो तीन आ गए थे पहले जैसे ही माउंट बैटन है उन्होंने ऐसे अपने श्रीकांत भाई की तरह बोला कि भाई चलो बैठ लो अब तो अब तो आपका ऑप्शन नहीं रहा या तो आप ज्वाइन करो दो में से एक को या अकेले रहो बोले अकेले रह गए तो कोई फायदा नहीं है तो कुछ प्रिंसली स्टेट्स ले गए पाकिस्तान के उसमें और कुछ ने इंडिया को ज्वाइन कर लिया ठीक है कुछ चेंजेस हुए इंडि इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट के के बाद किसमें नेचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूट असेंबली में पहले जो कॉन्स्टिट्यूट असेंबली थी वो फुल्ली सोवरेन नहीं थी ठीक है माउंट बैटन के आने के बाद जब इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 पास होता है उसके बाद जो है असेंबली को जो है वो मेड अ फुल्ली सोवरेन बॉडी उसको जो है फुल्ली सोवरेट बॉडी बना दिया जाता है ठीक है जो असेंबली थी अब उसको दो फंक्शन दे दिए गए उन्होंने बोला कि आप ऐसा है कि आप अपना कॉन्स्टिट्यूशन तो बनाते रहो लेकिन आपको देश भी चलाना है अब देश चलाना है तो आपको ऑर्डनरी लॉज भी पास करने पड़ेंगे तो आप ऐसा करोगे अब आप ऑर्डनरी लॉज भी पास करो तो जब ऑर्डनरी लॉज पास करोगे तब तो वो हो गया आपका लेजिस्टिव फंक्शन तब आप कैसे मीट कर रहे हो एज अ लेजिस्लेटिव असेंबली जब आप कॉन्स्टिट्यूशन के मसले में मिल रहे हो तब तो आप बन जाओगे कॉन्स्टिट्यूंट फंक्शन या कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बन जाओगे ठीक है तो जब असेंबली जो एज अ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली मीट uh, करती थी तो जी वी मावलंकर जो कि फर्स्ट स्पीकर भी थे वो उसको हेड करते थे या उस सीट पे जाके स्पीकर की सीट पे जाके वो बैठते थे और जब लेजिस्टिव मतलब ऑर्डनरी फंक्शन करती थी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद उसको हेड करते थे जो कि भारत के पहले राष्ट्रपति भी बने ठीक है मुस्लिम लीग ने विड्रो कर लिया कि हम आई नहीं रहे हैं। तो अब जो है स्ट्रेंथ जो है कम हो गई थ्री एटी नाइन से टू नाइन्टी नाइन हो गई और स्टेट जो है कुछ जाके पाकिस्तान में ज्वाइन हो गए नाइन्टी थ्री से सेवेंटी ही इंडिया में आए ठीक है अब और क्या फंक्शंस थे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के तो दो डेट्स याद रखना एक तो उन जो कॉन्टीट्यूट असेंबली थे उसने बोला कि ठीक है हम कॉमनवेल्थ जो है ज्वाइन कर लेंगे कॉमनवेल्थ वो कंट्रीज हैं जहाँ जहाँ ब्रिटिश ने राज किया तो ऐसे कॉमनवेल्थ गेम्स भी होते हैं तो दे रेटिफाइड द इंडियाज मेंबरशिप ऑफ द कॉमनवेल्थ ठीक है अब उन्होंने कुछ कुछ चीज़ें अडॉप्ट करी अडॉप्ट करी तो दो डेट्स आप याद रखना एक तो नाइनटीन की है बाईस जुलाई नाइनटीन सबसे पहले नेशनल फ्लैग को अडॉप्ट किया गया कॉन्स्टिट्यूट असेंबली ने ट्राई कलर को

सरदार पटेल जी यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन जवाहरलाल नेहरू जी ने करी तो यार उन्होंने कहा ज्यादा लोड मत लो मैं देख लूँगा तो प्रोविशियल कमेटी थी वो सरदार पटेल जी ने कर ली ठीक है और एक एडवाइजरी कमेटी थी ऑन फंडामेंटल राइट माइनॉरिटी ट्राइबल्स एंड एक्सक्लूडेड एरिया सरदार पटेल जी ने देख लिया ठीक है सरदार पटेल जी आयरन मैन ऑफ इंडिया ड्राफ्टिंग कमेटी देखो सबको पता है द मॉडर्न मनु भी कहा गया इनको डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी एंड स्टेरिंग कमेटी किसने एड करी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसके अलावा माइनर कमेटीज भी थी उन्हें भी एड किया गया एक रूल्स ऑफ प्रोसीजर कमेटी थी उसको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने एड किया ठीक है रूल्स ऑफ प्रोसीजर कमेटी किसने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने ठीक है ड्राफ्टिंग कमेटी ड्राफ्टिंग कमेटी बहुत सेटअप ऑन अगस्ट ट्वेंटी फोर्टी सेवन हैं इसके

ये हेल्थ खराब हो गई थी इसलिए उन्होंने रिजाइन कर दिया उनकी जगह एल माधव राव आए एंड टी टी कृष्णमाचारी किसकी जगह आए थे डी पी खेतान जी की जगह उनकी नाइनटीन फोर्टी सेवन में हाँ, 1947 में उनकी डेथ हो गई थी डी पी खेतान जी की ठीक है कॉन्स्टिट्यूशन के तैयार हो गया बोला ठीक है यार आ जाओ तो अंबेडकर जी जो है ऐसे इस पॉलिटी की बुक की तरह कॉन्स्टिट्यूशन को उठा के ले आए पार्लियामेंट में पहुंचे तो फर्स्ट रीडिंग हुई तो फर्स्ट रीडिंग कब हुई नवंबर फोर 1948 को और नवंबर नाइन 1948 तक चली बेसिकली उसमें आइडिया पड़ दिया ये हम कॉन्स्टिट्यूशन है सेकेंड रीडिंग हुई सेकंड रीडिंग में क्लॉज बाय क्लॉज लगभग लगभग साढ़े अमेंडमेंट्स हुई बहुत सारी उसमें जर डिस्कस हुई मतलब तो पंद्रह के आसपास ठीक है तो क्लॉज बाय क्लॉज सेकेंड रीडिंग को कब से कब तक हुई नवंबर पंद्रह 1948 से अक्टूबर 17 1949 तक

प्रीएम्बल में कि वी गिव आर सेल्फ दिस कॉन्स्टिट्यूशन ठीक है तो 26 नवंबर 1949 को जो है कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया गया और कुछ जो प्रोविजंस थे वो उसी दिन से लागू हो गए ठीक है एंड नवंबर 49 को अडॉप्ट हुआ उस समय उसमें 395 आर्टिकल्स एंड एट शेड्यूल्स थे ठीक है अब कुछ प्रोविजन जो थे जैसे कि जो सिटीजनशिप से रिलेटेड थे इलेक्शन से रिलेटेड थे प्रोविजनल पार्लियामेंट से रिलेटेड थे वो 26 नवंबर 1949 को ही एनफोर्स कर दिए गए लागू कर दिए गए लेकिन कुछ जो प्रोविजन थे तो फुल कॉन्स्टिट्यूशन फोर्स में आया वो 26 जनवरी 1950 को आया द फर्स्ट रिपब्लिक डे 26 जनवरी 1950 और ऐसा क्यों था ऐसा क्यों हुआ कि छब्बीस जनवरी को चुना गया बिकॉज 1929 का अगर आप लाहौर सेशन याद करेंगे तो वहां डिसाइड किया था कि अगले साल इज नाइनटीन 26 जनवरी 1930 को हम पूर्ण स्वराज डे मनाए जाएंगे इसलिए जो है उसकी बड़ी स्ट्रैटेजिक, उसका बड़ा इमोशनल इंपॉर्टेंस थी इसलिए 26 जनवरी को भारत का संविधान लागू कर दिया गया तो एडॉप्टेड ऑन 26 नवंबर बट ऑन छब्बीस जनवरी उन्नीस सौ पचास को भारत का संविधान पूरे फोर्स के साथ लागू कर दिया गया ठीक है कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं तो कॉन्स्टिट्यूएंस असेंबली जो थी उसका सिंबल एलिफेंट था लीगल एडवाइजर उसके सर बी एन राव थे सेक्रेटरी उसके एच वी आर एयंगरजी थे चीफ ड्राफ्टमैन जो थे वो एस एन मुखर्जी थे ठीक है जो कैलीग्राफर थे क्योंकि शुरू में इंग्लिश में लिखा गया था वो प्रेम बिहारी नारायण रायजादा थे कैलीग्राफर कई बार कई में क्वेश्चन पूछा गया ठीक है प्रेम बिहारी नारायण थे जो हिंदी वर्जन लिखा गया उसका इंग्लिश वाला भी इल्यूमिनेट किया था एक और व्यक्ति के साथ मिलकर अच्छा एक इंटरेस्टिंग फैक्ट में तो वो हिंदी में लिखा नहीं गया तो बाद में फिफ्टी एट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आया आर्टिकल थ्री नाइनटी फोर ए इंसर्ट किया गया पार्ट ट्वेंटी टू में वहाँ बोला गया कि प्रेजिडेंट जो हैं कॉन्स्टिट्यूशन का जो ड्राफ्ट है जो इंग्लिश में मीनिंग दिया गया है उसी के हिसाब से हिंदी में निकालेंगे और अगर कोई दिक्कत होती है तो प्रेसिडेंट उसको टाइम टू तो टाइम प्रेसिडेंट साहब या साहिबा जो है उसको टाइम टू टाइम रेक्टिफाई करेंगे पावर होगी जितने भी ऑर्डिनेंस होंगे वो हिंदी में भी आएंगे तो यहीं से जो है हिंदी में भी चीज़ें आनी चालू हुई इनफैक्ट अभी अभी जैसे सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि उनके जजमेंट जो हैं चार और लैंग्वेज ठीक है इंग्लिश में तो आते ही थे ठीक है हिंदी एक शायद उड़िया है एक गुजराती है और एक और लैंग्वेज में मेरे को याद नहीं आ रही चार लैंग्वेजेज में सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स अवेलेबल होंगे उससे क्या होता है कि आपका इंक्लूसिविटी बढ़ती है लोगों को समझने में आसानी होती है जो आपकी जो लैंग्वेज हैं उसे आप संभाल के रख पाते हैं ठीक है थीके? आज के टाइम पर अगर मैं अपनी ही बात करूँ तो मेरी इंग्लिश पढ़ते पढ़ते हिंदी ही कमजोर हो गई है ना आई एम नॉट आई एम नॉट वेरी प्राउड ऑफ इट ठीक है कि मेरी जो लोकल लैंग्वेज है वो कमजोर हो गई है इसलिए थ्री लैंग्वेज फार्मूला न्यू एजुकेशन पॉलिसी में लाया गया ठीक है तो आजकल तो इतना ही ठीक रहेगा और अल्फा ईयर्स इन एसोसिएशन विद ए बी सी आई एस अकेडमी गिवस यू दुल फाउंडेशन कोर्स फॉर यू पी एस सी एंड वेरियस अदर एग्जामिनेशन ए बी सी आई एस अकेडमी स्पेसिफिकली डील्स विद दी एग्जामिनेशन हेल्थ इन उत्तराखंड फ्राम यूके पी एस सी टू यूके एस एस सी एंड मेनली डील एन हिंदी मीडियम हिंदी माध्यम में वो डील करते हैं और बहुत ही अच्छा इंस्टीट्यूट है आप देर में आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं उनको एंड अल्फा ऑफ़ ऑफकोर्स डील्स विद द यूपीएससी एंड इन इंग्लिश मीडियम और कोशिश करते हैं कि आपके लिए बेहतरीन से बेहतरीन ले चीज़ें लेके आए बहुत सारे बच्चे हमसे पूछते हैं सर आपका चैनल अलग क्यों है तो हमारा चैनल इसलिए अलग है भाई क्योंकि हम जो है कोर्स जो है फुल देते हैं पॉलिटी पढ़ा रहे हैं पूरी पॉलिटी पढ़ाएंगे इससे पहले एथिक्स इन्वायरमेंट आप जाके दे सकते हैं पूरा सिलेबस कवर किया बाई चांस फिर भी कोई टॉपिक छोड़ देता है छूट जाता है तो हमने वहाँ बोला हुआ है कि आप कमेंट बॉक्स में बताएं हम जो है रिसर्च करके कंटेंट डिवेलप करके एक वीडियो भी जरूर आपको डाल देंगे ठीक है सो ऑन दैट नोट टेक केयर एंड वीकली करंट अफेयर्स हैं इंपॉर्टेंट एलिटोरियल डिस्कशन है सब देखते रहें एंड यू नो वी स्ट्राइव टू मेक एजुकेशन फ्री थ्रू द मीडियम ऑफ यूट्यूब जितना हमसे हो पाता है ऑब्वियसली समिंग्स हैज़ टू बी पेड फॉर टेस्ट सीरीज and that too at a very affordable price so that's the larger idea and and on that note i shall take your leave i wish you a very happy day keep healthy keep smiling and i shall see you soon bye bye